सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 के संवैधानिक करार देते हुए यूपी मदरसा बोर्ड की वैधता को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूर, जस्टिस जे बी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच ने इस फैसले की पुष्टि की है। कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का जो निर्णय था जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड कि और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि बहुत टीचर्स का बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाईकोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं और मदरसा अपने आप में हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य आधार में लटक गया था अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। जो दूसरे बोर्ड हैं जैसे बीएससी कह लें या सीएससी कह लें और मदरसा बोर्ड है, उसकी एजुकेशन का जो पैटर्न है आप उसे किस तरीके से देखते हैं, दोनों सेम है या डिफरेंट? जी, हम जो मदरसा बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब किया है जो करिकुलम वो एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के बराबर है, जहाँ तक कि इंग्लिश हिंदी साइंस मैथमेटिक्स इन सबका ज्योग्राफी इनका सवाल है। बस एक अलग से इस्लामिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो कि एक संवैधानिक अधिकार है जनता का जो मुस्लिम है खास करके उनका कि वो इस उसकी एजुकेशन पाएँ, तो उसको मेंटेन किया हुआ है और उसमें से कोई उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जैसे कि आपने फैसला सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या खास बात कही, क्या आधार दिया, क्या उनका? देखिए अभी डिटेल जजमेंट आएगा, अभी प्रोनाउंसमेंट ही हुआ है और प्रोनाउंसमेंट में उन्होंने सीधा सीधा पूरी तरह से उस जजमेंट को सेट असाइड किया है, कहा है कि वो सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के विपरीत नहीं है और हम इस फैसले का बहुत वेलकम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड द वर्डिक्ट इन द यूपी मदरसा बोर्ड। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।